तो हेलो दोस्तों, आपने नमस्कार श्री श्रीकाल केम छो, मेरा नाम है विराट और आज भी मेरे पास काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं एलविश यादव के बारे में। सो गाइस, क्या एलविश यादव को पाकिस्तान से वार्निंग आई? सो गाइस, आप लोग पाकिस्तान के रैपर्स तला, अंजुमन तला, यूनुस को तो जानते होंगे, दे आर क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया ऑल्सो। बट द थिंग इज, पास में तला अंजुमन ने इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ काफी सारे हेटर ट्वीट करे थे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि इन दोनों का इंडिया में कोई भी कॉन्सर्ट नहीं हो। एंड पाकिस्तान के एक और रैपर है जिनका नाम है चैन के, जिनके तला अंजुम और तला यूनुस के साथ कंट्रोवर्सी थी, उनकी साइड से कल इंस्टाग्राम पे एक रील आउट हुई एलविश यादव के लिए, जहां पे वो एलविश यादव को कुछ ऐसा बोलते हैं। एलविश यादव, आइंदा अगर मेरे मुल्क के टॉप चर्चियों को तुम लोगों ने कुछ बोला ना, जितने भी एलविश यादव के फैंस हैं सारे, सबको कह रहा हूं मैं, मेरे मुल्क के टॉप लेवल चर्चियां हैं, ठीक है, शो कैंसिल करवाएंगे साले। अगर तुम लोगों को इतना मसला हो रहा है ना इन दोनों से, रफ्तार को कांटेक्ट करो, रफ्तार ने पूरे उठवा के यूनुस से चटवाए हैं, ठीक है, तब नहीं तुम लोगों को तकलीफ हुई। दिमाग खराब क्यों है, बोला नहीं जा रहा है जी। कृष्णा ने मुंह में डाले अंजुम के, ठीक है ना, तब किधर थे तुम लोग? दिमाग खराब। अब भाई मेरे को तो इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि इन्होंने एलविश यादव को ही क्यों टैग करके रील में कॉल आउट करा है, बाकी आपको पता तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जानू स्टंट्स के बारे में। सो गाइस, उनकी साइड से कल एक ब्लॉग आउट हुआ जहां पे उन्होंने एक दिल्ली के बाइकर के साथ में ड्रैग रेस करी है, जिनका नाम था कार्तिक कस्टम्स। अब ड्रैग रेस भी नहीं कह सकते, एक प्रॉपर हाइपर राइड हुई थी, जिसके बाद में कार्तिक कस्टम्स का जानू स्टंट्स पे कुछ ऐसा रिएक्शन था। भाई आया था दिल्ली से कार्तिक, तो ये बोल रहा था भाई जम्मू के राइडर का पोटेंशियल चेक कर रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, भाई अपना ठीक है, तो ऐसी गए थे राइड मारने, मजा आया यार, खींची बाइक भी खींची। एंड जानू स्टंट्स की इसी वीडियो के नीचे राजा डीसी भी कमेंट करके लिखते हैं, जानू भी लाइक तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। इस पे जानू स्टंट्स भी इनको रिप्लाई करते हैं विद अ लाफिंग इमोजी। अब राजा डीसी की बात हो ही रही है, तो भाई आज उनकी साइड से एक व्लॉग आउट हुआ जहां पे एक ऑटो ड्राइवर उनकी बाइक चोरी करके ले गया था। 20 लाख की? हाँ जी। ओके, कार इधर कर साफ यार, तो ये पागल हुआ ऑटो वाला, हो जाए इसको रोक सारे, वो पागल बोल, वो मेरी बाइक की चाबी तो दे। और मेरी बाइक की चाबी तो दे, पागल भाई ऑटो वाला बाइक ले गया मुनीर भाई की, यार मेरी बाइक ले गया यार तो। क्या बंदा है, ये कौन है साला, चाबी लगी थी ले गई। तो भाई पूछना भी तो होता है जिसकी बाइक है यार, कैसा इंसान है तू? ओ यार अच्छी लगी ले जा, अच्छी लगी तो बाइक पता कितने की है? कितनी की होगी? 20 लाख की बाइक है, चार खड़ी है, तो वहां चला रही है, क्यों चला रहा है? तो पुलिस को फोन किया, पुलिस आ रही थी, रुक भागना नहीं, ठीक है, चाबी निकाल ऑटो किसकी, कैसे नहीं मारेगा बिना पूछे, तूने कैसे निकाली? अच्छा अच्छा, क्या करेगा बताना जरा, और ये कोई फटा वैसे शराब पी हुई है यार, ठीक है, इसको चाबी चुबी नहीं देता मैं, जा इसको बोल जा, जाना जा। तू डंडा किसको दिखा रहा है? नहीं डंडा किसको दिखा रहा है, बदमाश है नहीं, एक तो तू चोरी कर रहा है, ऊपर से तू डाल दे रहा है। एंड बाद में इसी वीडियो में ऑटो ड्राइवर ने राजा डीसी को सॉरी बोली थी। तो भाई यार मेरे को तो यकीन नहीं होता आजकल कौन सा रियल व्लॉग है और कौन सा स्क्रिप्टेड व्लॉग है, बाकी आपको ये व्लॉग देख के क्या लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस, आपने नोटिस करा होगा कि ऑटो ड्राइवर के ऑटो में दो बंदे पीछे बैठे थे, एंड भाई अगर कुछ रियल फाइट वगैरह होती तो भाई वो भी बाहर आते यार। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आलियान राइडर और जीनत व्लॉग्स के बारे में। सो गाइस, आप सबको तो पता ही है भाई, इन दोनों की कॉन्ट्रोवर्सी रात के बिजली के कट की तरह है, कभी आती है कभी जाती है, कभी इन दोनों की दोस्ती होती है, कभी फिर दुश्मनी हो जाती है, एंड फिर दुश्मनी होने के बाद में फिर से दोस्ती होती है, और उसके बाद में इनकी 200वीं फाइट हो जाती है। एंड आप सबको तो पता ही होगा अभी 1.5 महीने पहले ही इन दोनों की फाइट हुई थी, जिसके बाद ये एक दूसरे को नहीं बुला रहे थे। बट आज जीनत व्लॉग्स की साइड से एक वीडियो आउट हुई, आलियान को पड़ी मार, आ गया फिर से पंगे लेने, @आलियान व्लॉग। नमस्ते। उसको पता नहीं बस कंटेंट की कमी हो जाती है, आ जाता है मेरे पास, उसको बस कंटेंट ही चाहिए होता है, पर पता नहीं क्यों मुझे तो ये भी लगता है कि सोच समझ के आया था नीचे, अब गॉड नोज बेटर, अल्लाह नोज बेटर। बिल्कुल बीच में बाइक आई, पीछे से मिल
स्कूटी ठुक गई और ये मेरी स्कूटी टूट भी गई, ये देख लो आप यहाँ से ये चीज टूट गई और अब बंदा मानने को तैयार ही नहीं है। बंदा बोल रहा है कि नहीं आपकी गलती, इधर आओ एक सेकंड, इधर सुनो ये डिस्क तोड़ी आपने ठीक है, ये बेंड हो गई है और ये भी तोड़ दिया। मेरी स्कूटी इतनी वो सॉलिड है ना कि आपकी ये तोड़ देगी, पागल पागल हो क्या? ओ तो टूटा नहीं है क्या? आपने मेरी स्कूटी तोड़ी है, ये देखो पहले ठीक है, बीच में कोई लगाता आपकी सड़क है, ये कोई भी आपकी सड़क है, कोई बीच में क्यों लगाया हुआ है? ठीक है कैमरा इसने भी दो कल भी इसने मेरी वीडियो शूट की थी और डाली थी, मैंने बोला था आपको मेरी वीडियो मत डालना, ठीक है मत डालना, अब मैं भी डालूंगी मुझे मत बोलना यार, और मैं क्या क्या बोल के डालूंगी फिर मुझे मत बोलना। भाई कोई नहीं बोलेगा इस बार की ये स्क्रिप्टेड वीडियो है, बस भाई मेरे सारे भाई पॉपकॉर्न लेके बैठ जाएंगे और भाई इनके व्लॉग देखेंगे, भाई इस बार मजा लेंगे यार, कोई स्क्रिप्टेड नहीं बोलेगा इनको। क्यों आ जाता है मेरे सामने बार बार यार, मैंने अपनी स्कूटी को इतना प्यार से रखा था, खुद से भी ज्यादा यार, स्कूटी के मुझे तोड़ दिए यार, अरे उठ के मेरे को कमेंट करना शुरू हो जाएंगे तू गलत है तू गलत है, मैं क्या करूँ, मैं क्या बाहर भी नहीं निकलूँ अब घर से, अपना जाऊँ भी नहीं यार, जब देखो लड़का मुंह उठा के सामने आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले दानू व्लॉग्स के बारे में। सो गाइस आप सबको पता ही होगा कि 2 महीने पहले आमिर माजिद ने सलमान खान मोड में आके दानू व्लॉग्स को हिट कर दिया था, जिसके बाद में दानू व्लॉग्स की बाइक टोटल लॉस हो गई थी एंड तब फहीम नाइक और दानू व्लॉग्स ऐसा प्लान कर रहे थे कि वो आमिर माजिद पे FIR करवाएंगे, बट आमिर माजिद ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था यहाँ पे दानू व्लॉग्स के साथ में एंड उनको ऐसा प्रॉमिस भी करा था कि वो उनकी बाइक ठीक करवा के देंगे। आमिर माजिद ने उनकी बाइक नहीं ठीक करवा की थी, जिसके बाद में दानू व्लॉग्स मल्टीपल वीडियोस बना चुके हैं, बट उनकी साइड से आज एक और वीडियो आउट हुई है जहाँ पे उन्होंने बताया कि सैम व्लॉग्स जो कि आमिर माजिद के भाई हैं उन्होंने धमकी दी है उनको, कुछ काम है उसके पास पैसे है मेरे, तो आगे से बोलता है कैसे पैसे, मैंने बोला उसने मेरे को हिट किया था बाइक से एक तोड़ी, उसने बोला था मैं खर्चा भरूंगा, क्योंकि मेरे पास पूरी क्लिप पड़ी हुई थी, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी भाई, मैं केस भी कर सकता था आमिर माजिद पे, पर मैंने नहीं किया, मैंने सोचा यार अगर हो जाएगा मसला, अगर देगा पैसे मैं क्यों पापा से मांगू, फिर ऐसे हो जाएगा जिसने तोड़ी वही देगा भर के, भाई मैं करता हूँ उसको कॉल और वो बंदा बोलता है, पहले उसने नहीं माना, बोलता है उसने आमिर माजिद ने हिट नहीं किया, तू गाड़ी दे नंबर दे गाड़ी का, भाई जब कॉम्प्रोमाइज़ किया तेरे को इतना भी पता है दिमाग में कुछ है कि भूसा भरा है दिमाग में तेरे, तुझे इतना भी पता था कि आमिर माजिद ने हिट किया, जब पूरी दुनिया को पता उसके भाई को पता नहीं होगा, तो बाद में धमकियां देता है तू बठिंडी आ तेरे को ये करूंगा वो करूंगा, भाई मैं 3 दिन लगातार बठिंडी गया और मैंने सोचा कि चाहे एक बार वो उंगली करे मेरे साथ, क्योंकि मैंने बोल के रखा था भाई हर एक को कि ऐसे ऐसे बोला इसने, तो मैंने मम्मी पापा को भी बोला हुआ कि ऐसे ऐसे बोल रहा है, वो बोलता है कुछ नहीं होगा तू जा व्लॉग वगैरह कर, लेकिन मैं डर गया था जम्मू में क्योंकि मैं अकेला हूँ जम्मू में, कोई दोस्त नहीं है, जो दोस्त थे वो भी दोगले निकले, सबने साथ छोड़ दिया, अभी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, चाहे कोई भी मेरे को मार के चला जाए, भाई अगर मेरे साथ कुछ हुआ ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जिम्मेवार रहेगा आमिर माजिद और उसका भाई जो मेरे को फोन पे धमकियां दे रहे हैं, ठीक है आमिर माजिद ने धमकी नहीं दी, आमिर माजिद के भाई ने मेरे को धमकी दी थी। सो गाइज ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड गाइज ये वीडियो शायद से मोटो खबरी चैनल पे आएगी क्योंकि इसमें सारी मोटो व्लॉगिंग अपडेट्स है एंड भाई मेन रीजन कि मैंने मोटो खबरी चैनल पे इतने दिनों से वीडियो नहीं डाली इसके पीछे ये था कि भाई हर जगह हर व्लॉगर भाई स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहे हैं एंड भाई जब स्क्रिप्ट देखने का ही मजा नहीं आता तो भाई मैं उसकी स्टोरी कैसे बताऊं आपको। एंड गाइज मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूं अपने दूसरे चैनल पे जहां पर भाई मैं पूरी इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी की न्यूज देता हूं, तो वहां पे मैं ज्यादा एक्टिव हूं, तो यार वहां पे जाके मेरे को सब्सक्राइब कर लो यार अगर पसंद करते हो तो भाई वीडियोस देख लेना। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, पता नहीं अब कब आएगी अपडेट्स, बट यार वो वाला चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरा सेकंड चैनल विद खबरी, वहां पे मैं ज्यादा एक्टिव हूँ। थैंक यू सो मच।